कितना गर्मी है सर, आपके यहाँ आके तो थोड़ा आराम लगता है सर। सर वो स्टाफ रूम का एसी कितना दिन से खराब पड़ा है सर, एक नया लगवा दीजिए ना सर, कब से तो हम बोल रहे हैं आपको। एसी का फिक्र मत करिए, हम पूरे कॉलेज में एसी लगाने वाले हैं, पैसे का कोई चिंता नहीं है। आप बताइए कौन सा एसी अच्छा रहेगा। सर हम बताए थे ना, ये वाला हम एक नया मॉडल देखे थे सर, ये थोड़ा महंगा है लेकिन ये चीज़ बहुत सही है सर, ये वाला देखिए तो। कमेंट। अरे सर सर एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम? सर वो गर्ल्स वॉशरूम का पाइपलाइन दोबारा से ब्लॉक हो गया। ब्लॉक? हाँ सर, वो किसी लड़की ने ना अपना होता है ना उनका यूज पैड बैड, वो क्या कहते हैं उसी में अच्छा सर में डाल के डंप कर दिया। आते हैं सर, आप एसी का थोड़ा देख लीजिएगा, बाद में बात हो जाएगा आपसे। ओके ओके। रिपेयर वाला क्या बोल रहे हैं? सर रिपेयर वाले से बात तो करी है लेकिन वो कह रहा है कि इस बार सर मोटा खर्चा आएगा और टाइम भी काफ़ी लग जाएगा। प्लीज़ टीआईसी को बुलाओ। ठीक है सर, मैं जल्दी से बुलाता हूँ। क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन? आप जाकर देखिए फीमेल वॉशरूम में क्या हुआ है। एक फीमेल स्टूडेंट अपना सैनिटरी पैड जाके टॉयलेट में ही फ्लश कर दिए, उसके वजह से पूरा ड्रेनेज ब्लॉक हो गया है। रिपेयर वाला बोलता है कि बहुत प्रॉब्लम होगा इसको फिक्स करने में। ये कैसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे कॉलेज में बिना कॉमन सेंस के? हाउ रिडिक्यूलस। ओके सर, प्लीज गिव मी सम टाइम, आई विल जस्ट लुक इनटू द मैटर। ये बाथरूम में क्या हुआ है? अरे मैडम मत पूछिए क्या हुआ है, सारे लड़कियां किसी के बात तो सुनते ही नहीं, गंदा नैपकिन को यहाँ वहाँ फेंक के चला जाता है, अभी क्लीन तो लोग करना पड़ता है नहीं। पैड क्या आज कमोड में? अरे तो आज तो किसी ने कोमोड में ही फेंक दिया, फिर कोमोड तो जाम होना ही था। मैडम ये बात को लेकर मेरे साथ प्रिंसिपल सर के बात हुआ है। प्रिंसिपल सर का पता चल गया? अभी तो वो सवाल जब हमसे करेंगे। आप चिंता मत कीजिए झुमा दी, प्रिंसिपल सर आपको कुछ नहीं बोलेंगे। इतने बड़े कॉलेज में किसने ये काम किया है ये तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा ना। मैडम हमें लगता है ना वो लड़की की होगी। कौन सी लड़की? कोई जिसका छोटा छोटा बाल है, वो चंद्रमा के साथ घूमती फिरती रहती है ना, गाना वाना गाती है। चंद्रानी के साथ? हाँ तो देवदत्त? हाँ वही होगा मैडम। आज सुबह जब हम सफाई कर रहे थे तो दौड़ से बाथरूम में आई, पीछे हाथ देखे, शायद दाग वाग लग गया होगा उसको। ठीक है, आई सी व्हाट आई कैन डू। Has anyone seen Devdatta here? No, ma'am. Devdatta, she left me alone. You come here. Was Devdatta on her periods today? Yes, ma'am. She was. Do you even know what she has done? She has flushed her used sanitary napkin in the commode and blocked the whole drainage system. Now the principal is fuming on us. Ma'am, I don't know what happened in the washroom, but मामा को बहुत टेंस लग रही थी, इसका फ्लो आज बहुत हैवी था। मामा चेंज नहीं कर पाने की वजह से उसके कपड़ों में भी स्टेन लग गया। एक बात बताओ, अभी हम झुमानी से बात करके आए, वो कह रही है कि तुम लोग बाथरूम के कहीं भी यूज नैपकिन फेंक देते हो, ठीक से डस्टबिन क्यों नहीं यूज़ कर लेते हो तुम लोग? माम झुमा दी, और वो जो खाती है उसका क्या? माम वॉशरूम आते टाइम तो साफ भी नहीं रहता है, डस्टबिन पूरे पूरे भरे पड़े रहते हैं। हमें तो सच कहूँ तुम लोग यूज़ भी नहीं करना चाहते वॉशरूम, पता नहीं वो आज किस हेल्पलेसनेस में उसने चेंज कर लिया। हम कितनी बार तो पानी भी नहीं आता है और इमरजेंसी से पैड भी अवेलेबल नहीं रहते। हम 2 दिन पहले की बात है, मैंने झुमा दी को कहा कि झुमा दी थोड़ा न्यूज़पेपर दे दीजिए, पैड रैप करके फेंकना है, तो मुझ पर चिल्लाने लगी। बोलती है मैं अपने पल्लू में न्यूज़पेपर लेके घूमती हूँ, तो मुझे मांगो मैं तुम्हें दे दूँ। माँ हम लोग थक चुके हैं इस मतलब हारसमेंट से, सच कहें तो हम लोग खुद आपके पास आ रहे थे ये कंप्लेंट लेकर। हम प्लीज़ अब देखिए अगर कुछ हो सके तो। ठीक है मैं देखती हूँ, गो जॉइन योर फ्रेंड्स। कम इन प्लीज। सर यू वर राइट, एक लड़की ने अपना यूज सैनिटरी नैपकिन कमोड में फ्लश कर दिया। The repair work is just about to start, but sir, I'm afraid this might yet again happen. What? Happen again? मतलब? Sir, sanitary napkin disposal is no more a petty issue. We just can't leave it like that. और सर जो लड़की ने ये किया होगा, क्या पता उसकी क्या मजबूरी रही होगी? डस्टबिन साफ मिले होंगे कि नहीं, न्यूज़पेपर होंगे कि नहीं? तो क्या कमोड में फेंक देगी? इतनी बड़ी वॉशरूम है, वो कहीं भी फेंक सकती है। और लड़कियों का ही तो वॉशरूम है, कोई मर्द तो नहीं जाता अंदर। शर्म किस बात की? How irresponsible of her? Sir, irresponsible तो कोई है, लेकिन वो लोग हैं, हम लोग हैं। What is the problem? Sir, the problem does not lie in throwing the used sanitary napkins anywhere in the washroom. The problem is in forcing a pair of human hands to touch that toxic thing. जो लोग वॉशरूम साफ करते हैं वो लोग भी तो इंसान ही हैं। उन बेचारों को तो ये भी मालूम नहीं है कि ये कितना हार्मफुल है, कितनी बीमारियां फैल सकती है इससे। और सर हमारे कॉलेज के प्रेस्टीज का वो क्या होगा सर? हमारे कॉलेज बाहर से तो इतनी सुंदर दिखती है, लेकिन अंदर की गंदगी कौन साफ करेगा सर? So what do you suggest? सर आपको शायद याद होगा कुछ हफ्ते पहले हम आपको इंसिनरेटर नाम की एक मशीन के बारे में बताए थे जो यूज्ड पैड्स को जला के एशेस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आपने तो मेरे प्रपोजल इग्नोर कर दिए क्योंकि आपको तो एसीज खरीदने थे। सर एक बात पूछे, हम रेस्टोरेंट्स में तो इतने खाने जाते हैं, ये रेस्टोरेंट्स चाहे कितना भी अच्छा हो, ये कितना भी चाहे वेल डेकोरेटेड हो, इसका खाना चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन सर ये जिस प्लेट में आपको खाना सर्व किया जा रहा है वो प्लेट अगर साफ नहीं है तो क्या आप उस खाने का मज़ा ले पाएंगे? नहीं ना सर। और सर ये एसी आप किस लिए लगाते हैं? ताकि हमारे स्टूडेंट्स को गर्मियों के महीने में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सर अगर उसके हाइजीन ही इतना कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है तो इन एसी का क्या फ़ायदा? प्लीज कॉल मिस्टर चाप। थैंक यू। कमेंट सर आपने बुलाया सर? हाँ सर। तो किस लिए बुलाया था सर? क्या सोचा उसके बारे में सर? वो एक्चुअली हमारे कॉलेज में एक नया इंस्टॉलेशन होने वाला है। सच सर? कब? कहाँ? अरे हर एक फीमेल वॉशरूम में। फीमेल वॉशरूम सर? हाँ, इंसिनरेटर। इंसिनरेटर ऐसा मशीन है जो कि यूज सैनिटरी नैपकिन्स को एशेस में कन्वर्ट कर देता है। And it is very important for our female students and their hygiene. AC तो लगता ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये अभी के अभी इंस्टॉल करें। The growth of menstruation waste has at last done its job and given us one more type of pollution, menstrual pollution. We understand that an incinerator burns the used sanitary napkins and turns them into ash, making it one of the best eco-friendly ways of disposing the sanitary napkins. But what about the people who don't get access to incinerators? For them, the only way out is to dispose the napkins with the regular household waste, which are later handled by waste pickers and collectors with bare hands. Any soiled sanitary product is a breeding ground for infections and diseases. Stagnant menstrual blood accumulates bacteria which multiplies at an alarming rate. It can cause harm to anyone who comes in direct contact with it. Although there is no official estimate of the generation of the menstrual waste in India, a 2011 survey has calculated that 9,000 tons of menstrual waste, which is approximately 432 million pads, is generated every month. According to the solid waste management rules, disposal of the used sanitary napkins is the responsibility of the waste generator, who has to wrap securely the sanitary waste in the pouches provided by the brand owners and place them in the bin meant for non-biodegradable waste. But sadly, the manufacturers have bluntly refused to take the responsibility of their products or their appropriate and safe disposal. Even the advertisements are all about which sanitary napkin to use and how. but none tells us anything about its disposal when the disposal of those napkins is as vital as its choice. The recklessly discarded napkins find their way into the soil and water, contaminating both and posing a serious threat to the environment. Dangerously, if we do not begin to address this issue now, we will have volumes of non-biodegradable waste that will take hundreds of years to degrade. Park's cousins once said, "Make good habits and they will make you." So let us not ignore the problem anymore and adopt safe ways of disposing the napkins. Let us all come together and burn the napkins and not the issue. Curif.com